हाँ थोड़ा और आगे ले ले, आगे ले ले, हल्का सा और ले ले। और ये रही हमारी गाड़ी नेक्सॉन। तो अब यार दिक्कत ये आ रही है कि अब हम लोगों को कोई और दूसरी जगह देखनी पड़ेगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग जा रहे हैं BTS बिहाइंड द सीन शूट करने। मैं आपको बताता हूँ कि जनरली मैं अपने जो वीडियोज़ वगैरह हैं यूट्यूब के, वो किस जगह पर जाके मैं शूट करता हूँ, तो वो सारी जो चीज़ें हैं, जो जगह है, कि कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए। तो अभी हम लोग बैठ चुके हैं हमारी न्यू टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट में 2023 के। तो आपने काफ़ी पिछले मेरे वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर हम लोग कन्फ्यूज़ हो रखे थे कि हमको कौन सी गाड़ी परचेज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर मतलब काफ़ी 2-3 वीडियोज़ वगैरह थे जिसके अंदर हमने लगभग ऑलमोस्ट सारे शोरूम कवर किए, सारी गाड़ियां कवर की। तो फाइनली हमारा डिसीजन यही निकला कि हम लोगों ने टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट 2023 वेरिएंट प्योर एस वो हमने परचेज किया है सनरूफ के साथ में, ये आप देख सकते हो। तो अभी हम लोग बैठे हैं नेक्सॉन के फेसलिफ्ट में, ठीक है। तो इस गाड़ी का जो रिव्यू है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। गाड़ी का जो रिव्यू है वो मैं अपने चैनल पर डालूंगा, और वीडियो को जाके एक बार जरूर देखना, वीडियो को लाइक करना, और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग अभी बैठे हैं, तो BTS बिहाइंड द सीन मैं आपको बताऊंगा कि कितनी ज़्यादा दूर हमें जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो एरिया से, हमारे लोकेशन से काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ जाती है वो जगह जहाँ पे मैं वीडियो ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा शूट करता हूँ, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी शांति रहती है, थोड़ा सा अच्छा माहौल रहता है, ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, ठीक है। तो मैं आपको वो आगे सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो मैं आपको दिखाता हूँ सारी जगह। तो हम लोग जाएंगे, आपको सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कितनी ज्यादा दूर है वो जगह जहाँ पे मैं इस गाड़ी का रिव्यू डालने वाला हूँ, और ऑलमोस्ट मैं अपने सारे वीडियो में उसी जगह पे जाके ही मैं वीडियो डालता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे आगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो उस जगह पे जाने के बाद में फिर मैं इस गाड़ी का मैं रिव्यू करूंगा। तो ये हमारी टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट प्योर एस वेरिएंट सनरूफ के साथ में जो आता है, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग अभी हैं हाईवे पर, मतलब सिटी के अंदर ही है ये हाईवे, ठीक है। तो फिर हम लोग जाने वाले हैं जैसलमेर रोड पे, ठीक है। तो हमारी सिटी से ऑलमोस्ट लगभग 7 या 8 किलोमीटर दूर पड़ती है वो जगह। तो वो थोड़ा सा क्या है कि एरिया जो है वो थोड़ा सा आउटर साइड में है, तो वहाँ पर क्या वीडियो बनाना थोड़ा सा आसान रहता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती और ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है। तो वो मैं आपको सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा बिहाइंड द सीन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, पहले दोस्त को बुलाना पड़ता है, इनका टाइम लेना पड़ता है, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, मैनेज करना पड़ता है कि किस दिन हम शूट करें, क्योंकि हमारे दोनों का फ्री होना, या जिस भी मैं गाड़ी का रिव्यू कर रहा हूँ तो उस टाइम पर उस पर्सन का फ्री होना भी साथ में ज़रूरी है, ताकि हमारे लिए चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाए, थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाए, ताकि एक जना ड्राइव कर सके और एक जना वीडियो बना सके। तो थोड़ा सा अब हम लोग बीकानेर जैसलमेर हाईवे पे चढ़ चुके हैं, और ये है जो टाटा मोटर्स का खुद का पेट्रोल पंप है, और ये इसका पास में शोरूम आने वाला है टाटा मोटर्स का। तो ये आप देख सकते हो, यहीं से हमने अपनी गाड़ी परचेज की थी, इसी शोरूम से, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल इनका स्टाफ है, काफ़ी अच्छी डील आपको मिल जाएगी। वैसा हाँ, न्यू गाड़ी पे आपको डील मिलेगी नहीं, कोई ज़्यादा डिस्काउंट है नहीं। अगर आपकी सिटी में है आपको अच्छी फेसलिफ्ट नेक्सॉन के अंदर, अगर आपको भी कोई अच्छी डील मिल रही है तो कमेंट में एक बार जरूर मेंशन जरूर करना दोस्तों। तो आगे आपको वो लोकेशन बताएंगे कि कहाँ पर हम जाके शूट करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो अब आप खुद देखना दोस्तों कि हम लोगों को सिटी से काफ़ी ज़्यादा आउटर में जाना पड़ता है एक वीडियो को शूट करने के लिए, ठीक है। तो पहले मैं रिव्यू शूट करूंगा, ठीक है, फिर मैं एक दो वीडियो और शूट करूंगा, उसके बाद में हम जल्दी कोशिश करेंगे कि इस गाड़ी का जो ड्राइव एक्सपीरियंस है, ठीक है, नाइट ड्राइव एक्सपीरियंस है, तो वो भी आप लोगों के साथ में शूट करूँ, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अभी तो जो लोकेशन हम लोग जाने वाले हैं वो थोड़ा दूर है, और ये ट्रू वैल्यू सेकेंड हैंड गाड़ियों का मार्केट,
ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ी आगे जाने पर बीकानेर की यूनिवर्सिटी आने वाली है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी। तो हमें उससे भी आगे जाना पड़ेगा क्योंकि हाईवे पे तो हम रोक के कोई शूट कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो एक ऐसी जगह बड़ी मुश्किल से हमको वो मिली थी, ठीक है, जहाँ पे हम लोग इत्मीनान से अपने वीडियो शूट कर सकते हैं बिना किसी की प्रॉब्लम के, बिना किसी के रेस्ट्रिक्शन के। तो अब ये यूनिवर्सिटी की जो बाउंड्री है वो स्टार्ट हो गई है आगे, तो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी। तो ये यूनिवर्सिटी का बाउंड्री आ चुका है, यहाँ पे अंदर साइड में आपको दिखेगा नहीं वैसे, वैसे गेट आ जाएगा तो मैं आपको गेट दिखा देता हूँ। ये यूनिवर्सिटी का गेट आ चुका है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए ताकि आपको पता चल जाए कि हम लोगों ने जो लोकेशन चूज की है वीडियो बनाने के लिए वो कौन से एरिया में लोकेट है, ठीक है। तब थोड़ा और आगे जाएंगे फिर मैं आपको पूरी तरीके से लोकेशन बताऊंगा मैं। तो अब फाइनली हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं, हालांकि वो रोड के राइट साइड में है, हम लोग अभी लेफ्ट साइड में चल रहे हैं। तो आगे जो फ्लाईओवर आएगा उस फ्लाईओवर के नीचे से हमको यू टर्न लेना है, ठीक है, उसके बाद में हमको राइट साइड में जाना है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा दूर है ये जो एरिया है, तो इस रोड पर अभी हम सीधे सीधे चलते जाएंगे और जहाँ से ये राइट साइड से जो गाड़ियाँ वगैरह आ रही है इस साइड में कच्चा रास्ता जाता है, कच्चे रास्ते के अंदर वहाँ जाके थोड़ी सी खुली जगह आती है, तो वहाँ जाके हम गाड़ी के जो वीडियो है वो शूट करेंगे, इसका रिव्यू डालूंगा मैं। तो अगर आप सबसे पहले इसी वीडियो पर अगर आप आए हो तो वो वीडियो ज़रूर जाके चेक करना, नेक्सॉन के फेसलिफ्ट का, ठीक है। तो अब ये फ्लाईओवर के ऊपर नहीं जाना, हमको फ्लाईओवर के नीचे से यू टर्न लेना है, ठीक है। तो अब हम लोग फ्लाईओवर के नीचे से यू टर्न लेंगे, फिर मैं आपको आगे वो लोकेशन दिखाऊंगा। हाँ चल लेंगे वहाँ पे भी। तो ये हम लोगों ने अभी फ्लाईओवर के नीचे से यू टर्न ले लिया है और ये है मंदिर हनुमान जी का। तो अब हम लोग फ्लाईओवर की दूसरी साइड में आ चुके हैं। तो अब हमारे लेफ्ट साइड से एक कच्ची सी रोड निकलेगी, तो आगे जाके मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो अब एक छोटा सा रास्ता आने वाला है कच्चा सा, तो हम लोग देख रहे हैं कि कहीं वो रास्ता निकल नहीं जाए, तो गाड़ी को थोड़ा धीरे चलाना पड़ रहा है, तो थोड़ी स्पीड कम ही रखना। लोकेशन वो आ चुकी है, देखो ये जो इस साइड में ये जो रास्ता दिख रहा है बस यही रास्ता है। तो इस कच्चे रास्ते से हमको बस इस कच्चे रास्ते से हमको अपनी गाड़ी को यू टर्न लेना है। और अब आप रास्ता देख सकते हो कितना बेहतरीन कच्चा रास्ता, जो मैं एक बार आपको दिखाऊं, मस्त बेहतरीन कच्चा रास्ता है ये, ले ले। अब दोस्तों दिक्कत ये आ रही है कि रास्ता है काफ़ी ज़्यादा छोटा और दोनों साइडों में है पेड़ और वो भी कांटेदार। तो अब गाड़ी को निकाल तो लेते हैं लेकिन नई नई गाड़ी है, स्क्रैच लगेंगे, तो अब देखते हैं इसका क्या इलाज किया जाए, ठीक है। तो ये दोनों साइडों में क्योंकि और काफ़ी ज़्यादा नुकीले हैं तो इनको हाथ से पकड़ के हम हटा भी नहीं सकते क्योंकि नई नई गाड़ी है आप समझ सकते हो, तो स्क्रैच आ जाएंगे। तो अब देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन हम लोग निकालते हैं अभी। तो ये जो दोनों साइडों में आप देख सकते हो तो ये कांटेदार हैं और ये हटाने से साइड भी नहीं हो रहे, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और जो ये रास्ता है ना, ये रास्ता सीधा सीधा आगे जाता है और आगे जाके वो एकदम खुला एरिया आता है, वहाँ जाके मैं अपने वीडियो को शूट करता हूँ। और ये रही हमारी गाड़ी नेक्सॉन। तो अब यार दिक्कत ये आ रही कि अब हम लोगों को कोई और दूसरी जगह देखनी पड़ेगी क्योंकि ये जो कांटे है ना काफ़ी ज़्यादा कांटेदार है और नई नई गाड़ी पे स्क्रैच लग जाएंगे। और ये मगर हटाऊंगा भी ना तो भी आप देख सकते हो कि रास्ता उतना ज़्यादा चौड़ा होगा नहीं,
क्योंकि अगर मैं यहाँ से पकड़ सकता हूँ तो वहाँ से निकलेगा नहीं, तो इस वजह से हमको कोई और दूसरी लोकेशन देखनी पड़ेगी। तो चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। तब आप देख सकते हो ना कि वीडियो में कितनी ज़्यादा दिक्कत आती है एक वीडियो को शूट करने के लिए। तो बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं किसी और लोकेशन पर। तो दोस्तों अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फिर से फ्लाईओवर के नीचे से यू टर्न लेते हुए किसी और लोकेशन पर जा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है क्योंकि वो हमारा क्या थोड़ा सा कम्फर्ट जोन है, वहाँ पर कोई मतलब दिक्कत नहीं आती वीडियो को शूट करने में, कोई आउटर की आलतू फालतू चीज़ों की आवाज़ें नहीं आती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा शांत माहौल रहता है। तो होप सो कभी आपको आगे कभी दिखा पाऊँ मैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लोकेशन थी। तो इस वजह से ये आप देख सकते हो कि ये एक बिहाइंड द सीन, एक हालांकि अगर मैं डायरेक्ट रिव्यू डाल देता आपको नहीं पता चलता कि यार हाँ एक रिव्यू ही तो डाला है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक रिव्यू को शूट करने के लिए ना, या किसी भी गाड़ी के एक वीडियो को शूट करने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस वजह से प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट दिखाएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नहीं नहीं करते, हमने ऑलमोस्ट अभी तक 10 किलोमीटर के आसपास हमने अभी तक अपनी गाड़ी चला दी है और हम लोग अभी भी कोई अच्छी सी लोकेशन पर पहुँच नहीं पाए हैं। तो देखते हैं, लेट्स सी। तो फिर से हमने फ्लाईओवर के नीचे से फिर से यू टर्न लिया और हम लोगों को एक रोड नजर आई है। तो अब यहाँ देखते हैं एक अच्छी लोकेशन अगर हमको मिल पाई तो चलते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो ये जो जगह है ना, ये दोस्तों फिर भी थोड़ी बहुत हमको अच्छी लग रही है, ठीक है। तो लेकिन आगे अभी ये मेन रोड टाइप से है, तो मैं सोच रहा हूँ आगे थोड़ा और कोई ऐसे रोड से किनारे पे थोड़ा सा कोई अच्छा सा खुला स्पेस आ जाए तो हम लोग वहाँ पे वीडियो को शूट कर लेंगे ताकि कोई और दिक्कत ना हो। तो यहाँ एक साइड में पूरा खुला मैदान ही है और हमें भी पता नहीं कि ये रोड कहाँ जाती है, हम भी इस रोड पे फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं। क्योंकि जैसलमेर हाईवे का तो फिर भी हमको पता है, काफ़ी सारी नॉलेज है मेन रोड पे। और ये मेन रोड से क्या थोड़ा सा साइड आउटर में किसी गांव के अंदर जाती है। अब देखते हैं कितनी ज़्यादा दूर है, कोशिश करेंगे। नीचे भी काफ़ी अच्छी जगह वगैरह थी, फाइनली हमको दोस्तों सड़क के किनारे साइड में हमको जगह मिल गई है टीलों के ऊपर। तो आप पता है कि राजस्थान में टीले टीले हैं, रेगिस्तानी मैदान। थोड़ा और आगे ले ले, हल्का सा और आगे ले, बिल्कुल पीछे ले ली तूने, और आगे ले, अपने पास में नेक्सोन है, डर मत। अबे तुम यार रुको, मैं बताता हूँ, थोड़ा और आगे ले सकता है यार तू चाहे तो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ थोड़ा और आगे ले ले, आगे ले ले, हल्का सा और ले ले। तुम कोई बात नहीं दोस्तों, हो जाता है कभी कभार ऐसा, ठीक है, तो दिल पे मत लेना। तो नई नई गाड़ी है तो थोड़ा नई गाड़ी से अपना प्यार जुड़ा हुआ है दोस्त की, तो इस वजह से हम लोग गाड़ी के साथ में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और अब आप जगह देख सकते हो, आराम से सड़क के किनारे हम लोग आ चुके हैं और इसी जगह पर हम लोग करेंगे इसका रिव्यू गाड़ी का, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक वीडियो को बनाने के लिए ना, एक वीडियो को शूट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है ठीक है ठीक है, यहीं रोक दे बस, बहुत है, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना दोस्तों। और अगर आप सबसे पहले इसी वीडियो पर आए हो तो इसके बाद वाला वीडियो है वो इस गाड़ी के रिव्यू के ऊपर आएगा, ठीक है। तो अब मैं इस गाड़ी का नेक्सोन का जो रिव्यू है वो मैं शूट करूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। और जो इतनी दूर हम लोग आए हैं हमारी मेहनत के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट गाड़ी के रिव्यू में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।